सत्यमेधा स्टोरी सत्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो योगों पर, विष्णु योग और ब्रह्म योग। विष्णु योग अगर हथेली में कहीं पर भी कमल सा निशान दिखाई दे, कहीं पर भी, विशेष तौर पर मंगल पर्वत पर, तो इसे विष्णु योग कहा जाता है। विष्णु योग जिस जातक की हथेली में पाया जाता है वह जातक समस्त ऐश्वर्य का स्वामी, समृद्धशाली, आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न, शत्रु रहित राजा होता है। ऐसे जातक भाषण कला में निपुण पाए जाते हैं, दूसरों पर अपना प्रभाव तुरंत डाल सकते हैं। ऐसे जातक के ऊपर कहा जाता है भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं ब्रह्म योग के बारे में। ब्रह्म योग हथेली में कहीं पर भी इस तरह झंडे के आकार का अगर चिन्ह दिखाई दे तो वो ब्रह्म योग कहा जाता है। ये छोटे बड़े रेखाओं से भी मिल करके अगर ऐसा योग बनता है तो उसका नाम हम ब्रह्म योग देते हैं। इस योग वाले जातक जिनके भी हाथों में ऐसा पाया जाता है, वो अध्यात्म में रुचि रखने वाले, साधु संन्यासियों पर विश्वास करने वाले, देवताई गुण धारण किए हुए, संतुष्ट जीवन जीने वाले ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक सृजन करने वाले भी पाए जाते हैं, अन्वेषण करने वाले भी पाए जाते हैं। कहा जाता है ऐसे जातकों पर भगवान ब्रह्मा की कृपा बनी जाती है।